हमारी पार्लियामेंट ने जो व्यक्ति ट्रांसजेंडर हैं उनसे संबंधित एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक अलग पावर दी है। आइए जानते हैं उस पावर में क्या है ऐसा जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर काम करते हैं। तो आपको बता दूं कि हमारे देश में जो व्यक्ति ट्रांसजेंडर होते हैं उनके राइट्स की हमेशा बात हुई है, तो इसी को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, एक एक्ट बनाया है जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को एक नई पावर दी गई है। हमारी गवर्नमेंट ने 2019 में एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, और 2020 में भी इसी टाइप से एक रूल्स बनाए हैं। इसके लिए कोई भी मेडिकल जांच नहीं होगी, इसके लिए कहीं हॉस्पिटल नहीं जाना होगा उस व्यक्ति को, केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए एक एप्लीकेशन देना होगा और उसमें लिखना होगा कि वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर है, ऐसा उसे फील होता है। उसी आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, उसी दिन से वह एक व्यक्ति ट्रांसजेंडर के रूप में सर्टिफाइड हो जाएगा। तो ये नया रूल्स, एक नई पावर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए मिली है। आपके हिसाब से क्या ऐसा सही किया कि गवर्नमेंट ने बिना मेडिकल जांच के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दे दी गई कि भाई सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में सर्टिफाइड करने के लिए? तो क्या ये सही है या गलत है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ इसे शेयर भी करें।